अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे उम्मू अली, जिसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, जो हमने इस तरह से इसे साइड से इसके कोर निकाल के इसको 2 से 3 घंटे फैन में सुखा दिया है, ताकि इसमें फ्राई करते वक्त इसमें ज़्यादा तेल या घी में आप जिसमें भी फ्राई कर रहे हैं ज़्यादा चूसे नहीं। तो कभी भी याद रखें, अगर आप ब्रेड का कोई भी मीठा या कुछ भी बना रहे हैं तो उसे पहले 3-4 घंटे फैन में सुखा देना। तो हमने ये हमारी ट्रे के हिसाब से 12 से 13 ब्रेड लिए हैं, इसको स्लाइस इसके साइड से इस तरह काट के हमने इसको सुखा दिया है। और शक्कर हमें, और फिर चाशनी के लिए हमें 250 ग्राम शक्कर लगेंगे, ये 1 कप भर के, और 100 ग्राम हमने ऐसे टोटल 250 ग्राम शक्कर लिया है, और पानी हम 2 कप लेंगे, शक्कर से थोड़ा बढ़ के ही पानी लें। तो हम 250 ग्राम शक्कर है तो 350 ग्राम या 350 ग्राम पानी लेंगे, और 100 ग्राम हमने खोआ लिया है, और 1/2 टीस्पून हमें चाशनी के लिए कलर लगेगा, पीला येलो कलर लिया हमने, और रोज़ एसेंस लगेगा हमें, और गार्निशिंग के लिए पिस्ता लगेगा, हमने थोड़ा बारीक पिस्ता पीस दिया है 3 टेबल स्पून, और ये थोड़े पतले पतले इस तरह स्लाइस में काट लिया है हमने, और 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लगेगा, और ये मिल्क मेंट जो हम ब्रेड पे डालेंगे दूध में, तो उसके लिए हमने 1/2 कप दूध लिया है, टोटल 100 ग्राम दूध लिया हमने, उसमें हम 3 टेबल स्पून मिल्क मेंट डालेंगे, ब्रेड के ऊपर डालने के लिए लगेगा हमें। और हमने खोपरा लिया है जो हमें इस तरह से बारीक से इस तरह से हमने बारीक पीस दिया है इसे खोपरे नारियल को, और ये हम गार्निशिंग के लिए इस पर ब्रेड पे डालेंगे। और 50 ग्राम बटर लिया है, और 250 ग्राम सादा मीठा ऑयल लिया है, सादा मीठा तेल जो अपना होता है कुकिंग ऑयल वो लिया है हमने 250 ग्राम, और 600 ग्राम हमने दूध लिया है, हमने 600 ग्राम दूध लिया है, जिसमें हम कॉर्नफ्लावर और खोआ डाल के जिसको हम पकाएंगे और जो हम ब्रेड के ऊपर डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दूध में खोआ डाल के उसे पका लेंगे। सबसे पहले हम दूध को बॉईल होने के लिए रख देंगे, फिर जब दूध बॉईल होना शुरू हुआ तो फिर हम ये इसमें खोआ डाल लेंगे। ये दूध हमारा बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम ये खोआ डाल देंगे। खोआ रखा था वो डाल देंगे, और इसे जल्दी जल्दी हिलाएंगे, और इसे अच्छे से इस तरह से इसे मिक्स कर देंगे। ये दूध हमारा अच्छी तरह बॉईल हो गया है, और ये खोआ भी इसमें पूरी तरह से घुल चुका है। इसके बाद हमने जो ये कॉर्नफ्लावर रखा था उसे हमने 2 टेबल स्पून दूध डालकर उसे इस तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम ये आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे,
इस तरह से, ये इस तरह से इसमें एक हाथ से डालते जाएंगे और एक हाथ से जल्दी जल्दी चमचा चलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। इस तरह से कॉर्नफ्लावर पूरा अच्छी तरह से, थोड़ी आंच को हम स्लो कर देंगे। और ये हम इसमें ये 2 टेबल स्पून हम इसमें शक्कर डालेंगे टेस्ट के लिए, क्योंकि हम इसमें चाशनी भी डाल रहे हैं तो इसलिए खवे में बस 1 से 1.5 टेबल स्पून ही शक्कर डालेंगे। और 1/2 टीस्पून, बिल्कुल 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे हम, जो बताना भूल गए थे तो वो डाल देंगे, और चुटकी भर नमक टेस्ट के लिए बस। बस इसे अच्छे से हिला लेंगे, हमने इसे सिर्फ 6-7 मिनट ही पकाना है गाढ़ा होने तक। अब ये हमारी रबड़ी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, अब हम गैस को बुझा देंगे और इसे हम अब ठंडा करके ब्रेड पे डालेंगे। फिर उसके बाद हम ब्रेड के लिए चाशनी उबालेंगे। अब चाशनी के लिए हम पानी लेंगे, हमने 250 ग्राम शक्कर लिया था तो इसमें हम टोटल 300 से 400 ग्राम तक पानी डालेंगे, यानी कि 2 कप पानी डाल देंगे। ये 1 कप, आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, और शक्कर भी आप आपके हिसाब से, अगर मीठा ज़्यादा पसंद खाना कर पसंद करते हैं आप तो आप ज़्यादा भी शक्कर डाल सकते हैं। ये हमने 2 कप पानी डाल दिया है, अब इसमें हम शक्कर डाल देंगे। अब इसमें हम ये जो चीनी रखी थी हमने वो डाल देंगे, और बस इसे हम बस एक बॉईल आने तक ही हमें इसे गरम होने देना है। इसके चाशनी बस इतनी के बॉईल हुए इतनी रखना है हमें, 1 तार या 2 तार ऐसी, इसकी चाशनी इस टाइप की नहीं होना हमें, बस हमें एक बॉईल आने तक इसे गरम करना है बस। शक्कर को हम थोड़ा हिला लेंगे, इसे पूरी घुलने तक इसे, और एक बॉईल आने तक इसे 5 से 6 मिनट तक हम पकने देंगे, फुल आंच पे फुल गैस पे पकने देंगे। इसके बाद हम इसमें कलर और रोज़ वाटर जो रखा हमने वो एकदम आखिर में डालेंगे। अब हमारी चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है, अब इसमें हम ये जो फूड कलर रखा था हमने येलो वो उसमें पूरा डाल देंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। अभी हमें और 4 से 5 मिनट इसमें एक उबाल आने तक पकने देना है, फिर बॉईल होने तक एक उबाल आने तक इसे और पकने देंगे। ये हमारी चाशनी अच्छी तरह से बॉईल हो रही है, इस तरह से इसे अच्छी तरह बॉईल होने देंगे हम और 2-3 मिनट इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे, फिर इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, हमने इसे 2-3 मिनट और बॉईल होने दिया है बस, अब हम इसे बंद कर देंगे गैस को हम। फिर उसके बाद हम इसमें ये
रोज़ वाटर के एक से दो तीन ड्रॉप डालेंगे, दो तीन, बिल्कुल आधा टीस्पून ये रोज वाटर डाल देंगे हम इसमें। अब ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब हम ब्रेड को फ्राई कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे ब्रेड फ्राई करने के लिए। इसे पहले से हम गरम होने देंगे। सबसे पहले हम इसमें ये जो तेल रखा था ये डाल देंगे। आप चाहे तो बहनों, आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, देसी घी में, या फिर मगर डालडा घी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ब्रेड जम जाते, मीठा जम जाता है, तो इसलिए हम इसमें तेल और थोड़ा सा बटर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो पूरा घी या पूरा बटर भी ले सकते हैं। ये हम इसमें जो बटर रखा था वो भी डाल देंगे। तेल को अच्छे से दो तीन मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर उसके बाद हम हमारे ब्रेड फ्राई करेंगे। अब हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हम एक इस तरह से एक टोकरी में टिश्यू बिछा कर इसमें फ्राई हुए ब्रेड रखेंगे। इस तरह से हमने रख दिया। अब हम पहले डाल के देखेंगे छोटा सा, अच्छे से गर्म हुआ कि नहीं तेल हमारा। ये तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक के बाद एक इस तरह से ब्रेड डाल के फ्राई कर लेंगे। बस इसे हमें हल्का से ही गोल्डन ब्राउन होने देना है, ज़्यादा फ्राई नहीं होने देना है, इससे हमारे ब्रेड जल जाएंगे और फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो इसलिए बस इस तरह से हल्का सा बस गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। इस तरह से हम एक के बाद एक इसमें डाल देंगे और जो इस तरह से अच्छे से निथार के इसे निकाल दें। इस तरह से अच्छे से साइड मिलाकर थोड़ी एक मिनट तक हमें इसे इस तरह से तेल निथरने देना है ताकि ज़्यादा तेल ब्रेड में ना रहे। इस तरह हम पूरे ब्रेड तल लेंगे। अब हम ब्रेड पे डालने के लिए जो हमने मिल्क मेल्ट रखा था, जो आधा कप जो दूध रखा था हमने, उसमें मिल्क मेल्ट डालकर दूध को थोड़ा बॉईल होने तक पकाएंगे, जो हम बाद में ब्रेड पे डालने वाले हैं। ये दूध में हम ये मिल्क मेल्ट जो रखा था ये डाल देंगे। इस तरह से इसमें डाल के जल्दी जल्दी फिर इसे बस एक बॉईल होने तक पकाना है। इसे हम बाद में ब्रेड पे डालने वाले हैं। बस अब इसमें बॉईल हो चुका, हम इसे बंद कर देंगे। हमने ब्रेड रखने के लिए इस तरह की बेकिंग ट्रे ली है। आप चाहे तो आपके पास जो भी है इस तरह की ट्रे या कोई भी चौकोनी टाइप का कोई भी बर्तन है आपके पास, कांच का बॉल्स है, उसमें भी आप
गार्निशिंग कर सकते हैं। तो अभी हमने इसमें इसके हिसाब से हमने ब्रेड को काटा था, अब इसमें हम ब्रेड एक के बाद एक ब्रेड हम इसमें रखते जाएंगे और फिर इसमें शक्कर की चाशनी डालेंगे। ये हमने हमारे पूरे ब्रेड फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम इसमें ये बेकिंग ट्रे में एक के बाद एक ऐसा डाल देंगे। इस तरह से एक के बाद एक करते जाएंगे। पूरे ब्रेड इसमें हम सेट कर लेंगे। थोड़ा शीरे चाशनी को हमने थोड़ा गरम कर दिया था, थोड़ा बॉईल कर दिया था फिर, ताकि अच्छी तरह से ब्रेड हमारे चाशनी को चूसे, इसलिए हमने थोड़ा सा से गुनगुना गरम किया था। बस इस तरह से हम ये एक के बाद एक ब्रेड रखते रहेंगे। ये इस तरह हमने पूरे ब्रेड चाशनी में, ये शीरे की चाशनी में डुबा डुबा इस तरह से ये ट्रे में पूरे रख दिया। अब इसके बाद हम इस पर ये जो मिल्क मेड डाल के जो दूध हमने बॉईल किया था उसे थोड़ा गर्म ही रहने देना है हमें, और वो इस पर ब्रेड पे हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे इस तरह से। पूरे ब्रेड पे डाल देंगे। फिर ये जो हमने नारियल रखे थे पीस के, ये से इस तरह से बुरबुरा देंगे। थोड़ा सा पिस्ता भी डाल देंगे। फिर और एक लेयर ब्रेड की इसके ऊपर रखते जाएंगे। इस तरह से इस पे हम एक और केक इस तरह से एक के बाद एक इस पे रखते जाएंगे। ये ब्रेड को हमने सुखाकर फ्राई किया था तो इसलिए थोड़े क्रिस्पी है, तो इसके लिए हमें चाशनी थोड़ी हमने चाशनी को गर्म किया है ताकि ये नरम हो। तो आप याद रखिए, अगर आप सुखा के ब्रेड को फ्राई कर रहे हैं तो आप चाशनी थोड़ी गर्म रहने दें ताकि हमारे ब्रेड उससे नरम हो। तो इस तरह से हम एक के बाद एक पूरे ब्रेड इसमें डालते जाएंगे। ये पूरे ब्रेड हमने इस पे पूरे शीरा डाल दिया है, अब इसमें ये मिल्क मेड वाला दूध और एक बार डाल देंगे। मैं ऊपर जो खवा और दूध जो डालने वाले हैं रबड़ी, तो वो हमने इसलिए फीकी रखी है, उसमें सादी शक्कर इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ये ब्रेड ऑलरेडी मीठे हैं, क्योंकि इसको हमने चाशनी में अच्छी तरह से भिगो कर रखा है।
इसे अच्छी तरह से इस पर चाशनी डाले। तो ये नीचे ब्रेड मीठे बन के ऊपर के हमने फीके रखे, और ये मिल्क मेड वाले दूध में भी हमने शक्कर नहीं डाली थी। अब और हम एक बार इस पर ये खोपरा डाल देंगे पूरा, इस तरह से इस पर डाल देंगे। इसमें खोपरे का नारियल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से जो खोवा और जो दूध हमने मिल्क कॉर्नफ्लावर डालकर उबाला था उसको हमने इसे इससे अच्छी तरह से फेंट दिया है, ताकि इसमें जो इस तरह से लम्स बने थे वो भी अच्छे से मिक्स हो गए। तो इस तरह से हम इसे फेंट दिया है। अब इसे हम ये इस पर डाल देंगे, बाद में इसे हम अच्छे से फैला देंगे। ये पूरा डाल दिया हमने, अभी इसे अच्छी तरह से इस पर फैला देंगे। इस तरह से अब इस पर हम इसमें इस पर बाद में हम गार्निशिंग करेंगे। हमने गार्निशिंग के लिए इसके ये एक कप दूध लिया था, और उसमें हमने एक चमचा एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल के इसे गाढ़ा होने तक पकाया था और उसे फ्रिज में रख दिया था। तो अब ये और हम मलाई और ये मलाई हमने ये ताज़ी दो दिन की ही मलाई है, ये दो दिन के ही लेना, उससे ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं चाहिए हमें। तो इससे हम क्रीम बनाएंगे, इसे इस तरह से इसमें डाल देंगे। और एक चमचा मिल्क मेड डालेंगे। अब इसे हम ब्लेंडर कर देंगे। होगा था कि नहीं, इसे हम ब्लेंड कर देंगे। और एक चम्मच इसमें आइसिंग शुगर डालेंगे, इसे हम ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। और ये जो आइसिंग शुगर रखा था हमने एक टेबल स्पून वो डाल देंगे। एक चम्मच और हम आइसिंग शुगर डाल रहे हैं। ये क्रीम मिक्स हमारा अच्छी तरह से ठीक हो चुका है, और हम इसे बंद कर देंगे। ये क्रीम हमने जो फेंटा था उस पर इस तरह से डाल देंगे। आप चाहे तो क्रीम भी डाल सकते हैं, हमने मलाई का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अमूल का क्रीम या कोई भी क्रीम डाल सकते हैं। इसे इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। पूरा अच्छे से फैला देंगे, कोई चीज जगह बाकी ना रहे, हर तरफ
अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। इसे रूम टेम्परेचर पे ही रहने देना है हमें। जो ये पिस्ते हमने पीस के रखे थे, इससे हम इस तरह से गार्निशिंग करेंगे चारों तरफ से अच्छे से। ये ब्रेड हमने गार्निशिंग के लिए रखे थे, इसे हम शक्कर की चाशनी में भिगोकर उसको लगा लेंगे। सबसे पहले ये लगाएंगे। इस तरह से और ये जो पिस्ता रखा था हमने, इसे भी इस पर डाल दें। इस तरह से इसे गार्निश कर लेंगे। थोड़ी सी ऊपर से चाशनी डाल लेंगे इस तरह से चारों तरफ से। लीजिए, ये हमारा उम्मोली लजीज मीठा तैयार है। अब इसे हम सर्व करेंगे। हमने इस पे क्रीम डाला था तो 5-6 मिनट हमने इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में सिर्फ 5 मिनट रखे थे हमने ठंडा होने के लिए। आप चाहे तो नहीं भी रख सकते, लेकिन हमने सेट होने के लिए रखा था। इसे हम इस तरह काट लेंगे। इस तरह से हमारा इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये हमारा मीठा तैयार है।